आए दिन बिहार में नियुक्ति पत्र को लेकर दंगे और धरने होते रहते हैं, जिससे बिहार सरकार पर हजारों सवाल खड़े होते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक पदों पर बहाली होगी। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने गुरुवार को बताया कि शिक्षा विभाग में 3 लाख पदों पर भर्ती होगी। महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी देने का जो वादा किया है, हम उस पर कायम है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। बजट सत्र के दौरान शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर कैबिनेट की भी मुहर लग जाएगी। 7वें चरण के तहत कक्षा 9 से 12 तक के 1.22 लाख शिक्षक भर्ती होंगे। कक्षा 1 से 8 तक 80,257 शिक्षक के पद हैं। 26,500 उर्दू, फारसी और अरबी शिक्षक होंगे। हाई स्कूल में 7,000 से अधिक कंप्यूटर शिक्षक सहित विशेष शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक के पद भी शामिल है। पहले शिक्षा विभाग की तैयारी थी कि 24 फरवरी को इसे कैबिनेट से मंजूरी करा लिया जाए। नियमावली को सामान्य प्रशासन, पंचायती राज और नगर विकास विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है। विधि और वित्त विभाग से स्वीकृति बाकी है। नई नियमावली के अनुसार शिक्षकों की भर्ती पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से नहीं बल्कि आयोग के माध्यम से होगी। यह शिक्षक पंचायत या नियोजन इकाई नहीं बल्कि जिला कैडर में होंगे। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के लिए उर्दू विषय में 21,000 शिक्षकों की बहाली होगी। हाई स्कूलों में उर्दू, फारसी और अरबी विषय में 5,500 शिक्षकों की भर्ती होगी। इन शिक्षकों की भर्ती के लिए उर्दू, फारसी व अरबी विषय के लिए TET और STET आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने विशेष TET और STET आयोजित करने के लिए नियमावली के साथ पूरी कार्य योजना 15 दिनों के अंदर बनाने का निर्देश विभागीय उच्च अधिकारियों को दिया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि उर्दू, फारसी और अरबी में 26,500 पदों की रिक्त का आंकलन किया जाएगा। उर्दू विषय के लिए कक्षा 1 से 5 तक 30,032 स्वीकृति पद है, जबकि 18,666 ही कार्यरत है, यानी 11,166 पद अभी भी रिक्त है। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 तक के लिए 37,094 स्वीकृति पद है, जिसके विरुद्ध मात्र 2,645 कार्यरत है, जबकि 1,637 रिक्त है। उच्च माध्यमिक शिक्षकों में उर्दू के लिए 2,000, फारसी के लिए 400 तथा अरबी के लिए 200 पद यानी 2,600 पद होंगे। कुल मिलाकर ये शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के लिए एक बड़ा मौका है।